नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे आपको हम एक नई कहानी सुनाते हैं। तो आज खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 167 में आप सबों का स्वागत है। एपिसोड नंबर 166 से हम चर्चा कर रहे हैं 25 जुलाई 2005 को राजधानी पटना में, बिहार की राजधानी पटना में, पटना वाटर बोर्ड, पटना जल परिषद के चेयरमैन व राजद नेता अशोक यादव उर्फ अशोक गोप के सेंसेशनल मर्डर की। बम से भेजा उड़ाकर बोर्ड के चेयरमैन चैम्बर में ही दिन दहाड़े मार डाला गया था अशोक गोप को। इस खौफनाक मर्डर से पटना दहल गया था, हमने आपको पहले भी बताया। अशोक यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के दूसरे बड़े साले व गोपालगंज के तत्कालीन सांसद साधु यादव के बेहद ही खास थे, आरजेडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, इस मर्डर के टाइम मतलब 25 जुलाई 2005 को लालू यादव और राबड़ी देवी की सत्ता बिहार से उखड़ी हुई थी। फरवरी में ही चुनाव के बाद बिहार में लालू यादव राबड़ी देवी की सत्ता वापस नहीं हुई थी और घटना की तारीख को बिहार में बूटा सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल था। फिर भी बिहार खराब विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर के दौर से ही गुजर रहा था। हालांकि बूटा सिंह बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। बिहार की सत्ता से उखड़े लालू यादव सांसद बनने के बाद केंद्र की सरकार में रेल मंत्री की कुर्सी संभाल रहे थे। पटना के SSP तब नैयर हसनैन खान ही थे। तो हुआ ये कि अशोक यादव की मर्डर से पटना कई दिनों तक दहकता सुलगता रहा। वारदात की तारीख मतलब 25 जुलाई को ही पूरे पटना में तोड़फोड़ शुरू हो गई थी। यहां वहां अशोक यादव की लाश को PMCH पहुंचाने में पोस्टमार्टम के लिए कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी थी पुलिस को। डाक बंगला चौराहा हो या पिरबहोर का इलाका, चारों ओर गुस्से का तूफान उबल रहा था। कई इलाकों में पुलिस को मर्डर का विरोध कर रहे लोगों को काबू में करने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी थी। आंसू गैस के गोले भी यहां वहां छोड़े जा रहे थे। तो ये स्थिति थी पटना की। लेकिन बड़ा सवाल अब ये था कि बम मारकर अशोक यादव का भेजा उड़ाने वाला हत्यारा कौन है। इस पर तरह तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे। अशोक यादव के मर्डर को प्रथम दृष्टया ही फर्स्ट इंस्टांस में ही पॉलिटिकल और कॉन्टैक्ट किलिंग का कॉकटेल मान लिया गया था। कोतवाली के थाना प्रभारी को, जिनके इलाके में यह वारदात हुई थी, मिडिल स्कूल के पास RJD ऑफिस के सामने बेचन पटेल पट पर उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया था। आरोप था कि वारदात के वक्त मतलब जब क्राइम की घटना घटी थी तब कोतवाली थाने की 5 जिप्सी और पटना पुलिस साथ में घटना स्थल के इर्द गिर्द थी। फिर भी हत्यारे वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से भाग निकले थे। आगे क्या हुआ यह भी बताते हैं। रात को अशोक यादव के पॉलिटिकल गॉड फादर माने जाने वाले MP साधु यादव दिल्ली से पटना लैंड करते हैं। सबसे पहले वे PMCH गए, अपने साथी अशोक यादव की लाश देखी, रोने लगे। इसके बाद जब भंवर पोखर में वे अशोक यादव के घर पहुंचे थे तो माहौल और गमकीन हो गया था। गुस्साए लोग लालू यादव को पटना आने बुलाने की मांग कर रहे थे। पिरबहोर थाने पर भी पथराव कर दिया गया था। अब अगला दिन 26 जुलाई 2005 सुबह पोस्टमार्टम के बाद करीब 9 बजे अशोक यादव की लाश को भंवर पोखर स्थित उनके घर पर लाया जा सका था। हजारों लोग तब भी साथ थे और यहां भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। आगे दाह संस्कार के लिए अंतिम यात्रा निकाली जानी थी। पिता की लाश को देख पत्नी और बच्चे बेसुध थे। सभी छोटे छोटे थे। कल्पना कीजिए, अशोक यादव के सबसे बड़े बेटे बिट्टू की उम्र तब 6 साल की थी, आज तो 22 साल का हो गया होगा, 21 साल का हुआ होगा।
जिसे अब अपने मृत पिता अशोक यादव को मुखाग्नि देनी थी। मासूम बिट्टू को, अशोक यादव के बेटे को, कभी साधु यादव तो कभी अशोक यादव के सबसे गहरे मित्र रहे बिजनेसमैन पटना के मनीष आनंद संभाल रहे थे। पूरी सब यात्रा में भी बेटा बिट्टू मनीष आनंद की गोद में ही चलता और कभी लाश के करीब बैठा दिख रहा था। शव यात्रा जब निकली तो पूरा पटना किसी भय से अपने आप बंद हो गया था। हालात इस कदर खराब थे कि पटना के प्राइवेट स्कूल वालों ने अगले दिन मतलब 27 जुलाई को भी सभी स्कूलों में बंद की घोषणा कर दी थी। कहा गया था कि अगले दिन पटना बंद रहेगा अशोक यादव की हत्या के खिलाफ। अंतिम यात्रा में भीड़ बिल्कुल बेकाबू थी। इन्हें नियंत्रित करने को रिक्शा पर लाउड स्पीकर लगाया गया था। फिर लाउड स्पीकर के माध्यम से बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि यह भीड़ पटना में सब कुछ ठप कर देना चाहती थी। गवर्नर बूटा सिंह हाई हाई के नारे लग रहे थे। समय समय पर साधु यादव स्वयं लाउड स्पीकर थाम रहे थे। बांस घाट को जा रही शव यात्रा जब गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में कारगिल चौक के पास पहुंची तो पुलिस से भिड़ंत होने लगी। किसी तरीके से संभाला गया। आगे गोलघर, पटना का ऐतिहासिक गोलघर के पास जब अंतिम यात्रा पहुंची तो वहीं गोलघर के पास पटना नगर निगम के मेयर कृष्ण मुरारी यादव का घर था। कृष्ण मुरारी यादव इस केस में आरोपी बनाए जा चुके थे, तो भीड़ अब मेयर कृष्ण मुरारी यादव के घर में घुसने को बेताब हो गई थी। वे घर से भागे हुए थे, मतलब मेयर भागे हुए थे। भीड़ मेयर को बाहर निकालो चिल्ला रही थी। पटना पुलिस को भी इस बात का एहसास था कि मेयर के घर पर अटैक हो सकता है, इसलिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस अमला को तैनात कर रखा गया था। अंतिम यात्रा में तब कौन कौन नहीं शामिल हुए थे? आरजेडी के स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल बारी सिद्दीकी स्वयं अगुवाई कर रहे थे। अन्य चेहरों में पूर्व विधायक, अभी तो मौजूदा विधायक हैं फतुहा के, रामानंद यादव भी थे। पटना सेंट्रल के निवर्तमान बीजेपी एमएलए, अभी तो हैं ही, तब फरवरी में जो चुनाव हुए थे किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, इसलिए विधानसभा निलंबित कर दी गई थी, तो उनके एमएलए अरुण कुमार सिन्हा के साथ आरजेडी नेताओं में आजाद, गांधी आदि आदि के चेहरे आज भी मुझे याद है। खैर, इसके बाद अशोक यादव पंचतत्व में विलीन कर दिए गए। 6 साल के बेटे बिट्टू ने जब मुखाग्नि दी तो वहां मौजूद सभी रो रहे थे। पटना के हालात को देख अगले दिन दिल्ली से रेल मंत्री लालू यादव भी पहुंच गए। वे भंवर पोखर जाकर अशोक यादव के परिवार वालों से मिले। परिवार चाहता था कि मर्डर केस की सीबीआई इंक्वायरी हो। लालू यादव ने कहा भी कि गवर्नर व केंद्र से कहकर करा देंगे, लेकिन कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई। इधर कातिलों का पता करने को पटना पुलिस ने लाठी पीटना जरूर शुरू कर दिया था, पर कोई सुराग पाने को कारणों का पता होना जरूरी था। यह जांच और अनुसंधान का सिद्धांत है। साथ में ऐसे बमबाजों की पहचान करनी थी जो इस तरीके से बम मारकर लोमहर्षक हत्या कर सकते हैं। इसके कई साल पहले पटना में ऐसी ही पॉलिटिकल हत्या एमएलए अशोक सिंह की उनके बंगले पर हुई थी, जिसमें सीधे तौर पर प्रभुनाथ सिंह का नाम आया था, लेकिन इस वारदात में, अशोक यादव की हत्या में, प्रभुनाथ सिंह कहीं से भी शामिल नहीं थे। मतलब मैंने आपको सिर्फ एक दृष्टांत के लिए बताया कि बमबाजी के माध्यम से ऐसा ही एक पॉलिटिकल मर्डर पटना में पहले भी हुआ था। मुझे ठीक से याद है कि तब बिहार पुलिस के मुखिया मतलब डीजीपी आशीष रंजन सिन्हा थे, जो रिटायरमेंट के बाद आरजेडी नेता बने, नालंदा से पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ा। चूंकि यह मर्डर राष्ट्रपति शासन के दिनों में हुआ था, इसलिए हर सवाल गवर्नर बूटा सिंह से पूछा जा रहा था। ऐसे में डीजीपी आशीष रंजन सिन्हा को खुद पटना में सड़कों पर उतरना पड़ा था, और गुस्से का इजहार करते हुए डीजीपी आशीष रंजन सिन्हा ने पटना पुलिस से कहा था
आप सबों को हथियार रोड पर आवारा गाय भैंस हांकने के लिए नहीं दिया गया है। तब पटना की सड़कों पर गाय भैंस चरते हुए दिखते थे। गोली चलाई हथियारों से, डीजीपी कह रहे थे, गोली चलाने वाले, बम चलाने वाले अपराधियों को मार गिराइए। खैर, इससे तुरंत कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन हमें भी याद है कि बाद में बेहद ही सख्त मिजाज समझे जाने वाले आईपीएस कुंदन कृष्णन को पटना का एसएसपी बनाकर लाया गया। यह भी राष्ट्रपति शासन का ही दिन था, जिन्होंने कमान संभालते ही अपराधियों के खिलाफ पूरे पटना में सर्जिकल स्ट्राइक जैसा प्रहार शुरू कर दिया था। पटना को क्लीन करने की कवायद शुरू हो गई थी। तो खैर, अभी हम अशोक यादव मर्डर केस की ही बात कर रहे हैं। मर्डर की पड़ताल को पटना पुलिस की एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी। तब पटना के एसपी सीटी हुआ करते थे शालीन, जो बाद में पटना के डीआईजी भी बने, अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। तो शालीन को एसआईटी का मुखिया बनाया गया। साथ में एसआईटी में 3 डीएसपी शामिल किए गए, सचिवालय के डीएसपी अरशद जमा, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कुमार अमर सिंह व टाउन डीएसपी राकेश दुबे। पूरे पटना शहर में पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई। तब कुछ दिनों के लिए लगा कि हाँ, पटना की सड़कों पर पुलिस है, जिसकी पहचान बहुत पहले से खत्म हो चुकी थी। पुलिस की एसआईटी ने जब जांच शुरू की तो कई बिंदुओं से मुखातिब होना पड़ा। साथ में अंडरवर्ल्ड को भी खंगाला जाने लगा। जिन बिंदुओं पर जांच शुरू हुई उसकी चर्चा हम अभी करते हैं। सबसे पहले तो एफआईआर में जो अभियुक्त नामजद किए गए थे उन्हें घेरे में लिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ पहला शक था। पटना के मेयर कृष्ण मुरारी यादव, पटना के जिला परिषद चेयरमैन संजय कुमार, पटना वाटर बोर्ड के चीफ इंजीनियर रविंदर कुमार और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उपेंद्र शर्मा को नामजद किया गया था। इन सबों के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हो गया और ये सभी फरार हो गए थे अपने अपने ठिकानों से। आपको याद करा दें कि पटना नगर निगम के मेयर के चुनाव में लालू यादव के परिवार के बीच ही महाभारत हो गया था। आपस में लड़ रहे लालू यादव के शाले साधु यादव और सुभाष यादव ने पहले अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। साधु यादव की ओर से अशोक यादव ही कैंडिडेट थे, जिनकी अब हत्या की जा चुकी थी, जबकि सुभाष यादव ने, छोटे साले ने, गर्दनी बाग वाले साधु गोप पर अपना हाथ रखा था। लेकिन इस बीच लालू यादव ने शतरंज की एक अलग ही बिसात बिछा दी थी। वे साधु सुभाष में से किसी एक के साथ न जाकर अपने बड़े साले प्रभुनाथ यादव की पत्नी मनसा देवी के पक्ष में हो गए थे, जिन्होंने भी पटना नगर निगम में वार्ड काउंसिलर का चुनाव जीत लिया था। एक बार से वे मनसा देवी को ही पटना का मेयर बना देना चाहते थे। रात भर कैंपेन चला था लालू राबड़ी के आवास से, पर इस चुनाव में किस मुरारी यादव के हाथों लालू यादव को शिकस्त मिली थी। उनकी सरहज मनसा देवी, बड़े साले प्रभुनाथ यादव की पत्नी, मेयर का चुनाव हार गई थी। पटना का मेयर बनने का सपना टूट गया था। आगे साधु यादव के सबसे खासम खास माने जाने वाले ये अशोक यादव लोकल बॉडी के मार्फत होने वाले बिहार विधान परिषद के चुनाव में मैदान में आ गए थे। मुकाबला आज के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के बड़े भाई और बड़े सरकार कहे जाने वाले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री दिलीप कुमार सिंह व विक्रम के दबंग श्यामदेव सिंह से हो रहा था। गणित ये था, मैथमेटिक्स यह समझा गया था कि जब दो भूमिहार आपस में लड़ेंगे तो यादव की जीत हो जाएगी, अशोक यादव की जीत हो जाएगी। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। आखिरी में चुनाव दिलीप कुमार सिंह ही जीते थे, दूसरे नंबर पर श्यामदेव सिंह रहे थे और तीसरे नंबर पर अशोक यादव चले गए थे। ऐसे में अशोक यादव को अंतिम कुर्सी, लास्ट चेयर, जो काल का गाल भी बन गई, वह पटना वाटर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में ही मिली थी। लेकिन इसके लिए भी बहुत कड़ी फाइट हुई थी और अब यहां
आते ही उनका सीधा पंगा, स्ट्रेट फाइट, इंजीनियर चीफ इंजीनियर रविंद्र कुमार के साथ हो गया था। कहा जा रहा था कि पंप लगाने में रविंद्र कुमार ने करोड़ों का स्कैम किया है। अशोक यादव ने चेयरमैन की हैसियत से फाइल खोल दी थी। चीफ इंजीनियर रविंद्र कुमार भी कम दबंग नहीं थे, पर अशोक यादव किसी भी कीमत पर उन्हें जेल भिजवाने को आमादा थे। कई बार दोनों के बीच तीखी कहासुनी भी हो गई थी। बताया यह जा रहा था कि इस कारण रविंद्र कुमार ऑफिस से घर जाने के बाद भी बहुत टेंशन में रहने लगे थे। इस कारण रविंद्र कुमार के बेटे को भी टेंशन हो गया था। सो पटना पुलिस की SIT ने रविंद्र कुमार के बेटे को भी जब जांच शुरू हुई तो रडार पर ले लिया। रविंद्र कुमार के बेटों की संगत का पता किया जाने लगा और अब सबों के कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे थे। मृतक अशोक यादव के साथ साथ जो भी शक के घेरे में थे। तब तक मुझे याद है पटना में CCTV के कैमरा का प्रचलन नहीं था, नहीं लगे हुए थे। ऐसे में पटना वाटर बोर्ड के कार्यालय में भी CCTV कहां से होता, जहां इस वारदात को, भीषण वारदात को अंजाम दिया गया था। सो साइंटिफिक तरीके से क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के बहुत सारे रास्ते नहीं थे। ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब मुखबिर, मतलब जासूस, मतलब खबरी का ही सहारा था। वैसे जब मैंने भी वारदात के अगले दिन क्राइम स्पॉट का मुआयना किया था तो एक बात तो स्पष्ट दिखी थी कि अशोक यादव का मर्डर करने आए क्रिमिनल तब बहुत दूर से नहीं आए थे। इसका अर्थ यह निकल रहा था कि वे पहले से ही कहीं जमा थे और जब उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला, मतलब ऑफिस से कोई ग्रीन सिग्नल देने वाला था, तो वे उस करीबी ठिकाने से निकल आए और बम मारकर वारदात को अंजाम देने के बाद दूसरे रास्ते से भाग गए थे। इसे आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि वारदात करने को आना नजदीक से था और जाना दूर था। क्राइम स्पॉट पर जिस तरीके से पहले ही बम में चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे अशोक यादव का भेजा उड़ा दिया गया था, उससे यह स्पष्ट था कि अपराधी क्राइम को अंजाम देने के पहले भी यहां सब कुछ देखने को आ चुके थे। अब पहले कब आए थे, उसी दिन आए थे या पहले के दिनों में आए थे, यह बात स्पष्ट नहीं थी। कारण कि पहले बम विस्फोट के बाद दूसरा बम विस्फोट सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि वहां कुछ और लोग बैठे थे जिनमें से कुछ के पास बंदूक राइफल भी थी, ऐसे लोग कोई हरकत न कर पाए। वैसे भी जो दूसरा बम विस्फोट हुआ था उसकी मारक क्षमता पहले बम के तुलना में कम थी। पहले बम के बाद दूसरे बम से अशोक यादव के साथ बैठे दूसरे बार पार्षद घायल जरूर हो गए थे, लेकिन साथ में इन सबों का मर्डर कर देना भी अपराधियों के प्लान में कतई शामिल नहीं था। एक बात मुझे और स्पष्ट थी क्राइम स्पॉट पर कि क्राइम के पीछे के कारणों को जानने की जो भी कोशिश की जाएगी वह तो ठीक है, जरूरी भी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन यह भी साफ है कि बम मारकर अशोक यादव की हत्या करने वाले हत्यारे पेशेवर हैं और सुपारी किलर हैं। पटना पुलिस की SIT ने अब क्राइम स्पॉट पर मौजूद रहे लोगों व घायल हुए वार्ड काउंसलर से क्रिमिनल के हुलिये की जानकारी लेने का काम प्रारंभ किया। वारदात को इतनी तेजी से अंजाम दिया गया था कि मिनट भी नहीं लगे थे, बस दो ही बम तो मारे गए थे। पहले बम में ही अशोक यादव का भेजा उड़ गया था, फिर बम के धुएं से चेहरे, जब चेहरे की पहचान के लिए हुलिये की जानकारी के लिए यह कवायद शुरू की गई तो समय इतना कम लगा था कि जो वार्ड पार्षद वहां मौजूद थे अशोक यादव के साथ या जो घायल हुए थे उन्हें चेहरे ठीक से याद भी नहीं आ रहे थे। फिर भी एक संभावित एक्सपेक्टेड स्केच तैयार किया गया, अनुमानित। एक बात और स्पष्ट हुई कि बम मारने को सिर्फ दो ही क्रिमिनल आगे आए थे, बाकी सबों ने मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर भागने की पोजीशनिंग बना रखी थी जिसमें वे कामयाब भी हो गए थे। क्राइम स्पॉट पर हमें
और पटना पुलिस की एसआईटी को भी बिजली खराबी की बात लगातार कौंधती रही थी, चुभती रही थी और इसके पीछे साजिश की बू आ रही थी। दरअसल हुआ यह था कि पटना वाटर बोर्ड के ऑफिस में 3-phase बिजली का कनेक्शन था। पिछले 7 दिनों से, मतलब 25 जुलाई 2005 के पिछले 7 दिनों से 1-phase की बिजली वाटर बोर्ड के चेयरमैन चैंबर की खराब थी। पर चेयरमैन अशोक जालब को परेशानी इसलिए नहीं होती थी कि 2-phase बिजली होने पर भी गर्मी को दूर करने को ऑफिस का एयर कंडीशन चल जाता था, लेकिन बाधात के दिन यानी कि 25 जुलाई 2005 को हुआ ये कि अशोक यादव जैसे ही ऑफिस आकर बैठे चेयरमैन की कुर्सी पर, 1-phase की खराब बिजली को ठीक करने को ऑफिस की 3-phase की बिजली काटी गई। कौन मिस्त्री बनाने आया वह 1-phase खराब बिजली को लंबे समय तक पता नहीं चल पाया। और फिर इसके बाद अशोक यादव ने गर्मी व अंधेरे से बचने के लिए दरवाजे और खिड़की खुलवाए। लगता है अपराधियों को इसी बात का इंतजार था, इसके बाद ही उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलना था। और जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, अपराधी आए और चेयरमैन अशोक यादव का भेजा उड़ाकर चलते बने। तो आगे बात यहां जाकर टिक गई कि बम मारने वाले ने जो हुलिया एक्सपेक्टेड तैयार हुआ पूछताछ से कि बम मारने वाले अपराधी ने फ्रेंच कट दाढ़ी कर रखी है। अब सवाल पैदा हुआ कि बमबाज, इस तरीके का बमबाजी करने वाला, फ्रेंच कट सेविंग रखने वाला क्रिमिनल पटना का कौन हो सकता है? सिर्फ पटना का ही नहीं, बिहार भर में खंगाले जाने लगे। पटना के अंडरवर्ल्ड को खंगाला गया। सब्जी बाग से लेकर आलमगंज तक, बेऊर जेल से लेकर भोजपुर और सिवान तक, तभी एक ऐसे ही अपराधी की पहचान होने लगी। लेकिन वह तो बहुत ही बड़ा छिड़ीमार था और उसका नाम आते ही कॉन्स्पिरेसी किलिंग की थ्योरी और मजबूत होती चली गई। गवर्नर बूटा सिंह ने भी केस में ब्रेक थ्रू मिलने का ऐलान किया। लेकिन आगे कुछ हुआ भी क्या? किसका नाम आया और किसका मिट गया? कहां कहां हुई छापेमारी? सब कुछ बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अब करना होगा कल रात खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 168 का इंतजार। तो आज दीजिए हमें इजाजत, कल करेंगे बड़े खुलासे, नाम भी बताएंगे, छापेमारी के ठिकाने भी बताएंगे। तो चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अंतिम निवेदन, यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई कहानी सुनना चाहते हैं, या कोई परामर्श देना चाहते हैं, या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो हमें ज्ञानेश्वर@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी लिखकर भेज सकते हैं। जरूरत होने पर हम आपसे अवश्य संपर्क करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।